अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट में राहत मिली है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने विधायकों की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने आयोग से कहा कि इस मामले में दोबारा सुनवाई की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्य की जीत बताते हुए फैसले का स्वागत किया। 19 जनवरी को लाभ का पद रखने पर चुनाव आयोग ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी थी, जिसे मंजूरी मिलने पर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने कहा कि आप विधायकों को अयोग्य करार देना कानूनी तौर पर गलत था। चुनाव आयोग ने सुनवाई के नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही मुख्य आयुक्त रहे ओपी रावत के दोबारा सुनवाई में शामिल होने की बात भी नहीं बताई, इसलिए 19 जनवरी का ऑर्डर रद्द किया जाता है। आयोग दोबारा मामले की सुनवाई करे। इस मामले में अयोग्य घोषित होने पर 8 विधायकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने केंद्र के अयोग्य घोषित करने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग से पूछा कि ये फैसला किन तथ्यों के आधार पर लिया गया। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसले पर ट्वीट कर कहा कि यह सत्य की जीत है। जनता के चुने हुए विधायकों को गलत तरीके से अयोग्य ठहराया गया। कोर्ट ने दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ किया है, यह उनकी भी जीत है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के बजट सेशन में विधायकों को राहत मिलने की बात बताई। इसके बाद सदस्यों ने मेज थपथपाकर फैसले का स्वागत किया और विधायकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ही 8 सितंबर 2016 को विधायकों के संसदीय सचिवों के तौर पर अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया था। इसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने आप विधायकों की शिकायत चुनाव आयोग से की। साथ ही पिटीशन में इसे लाभ का पद मानते हुए विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई।